हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज ये वीडियो है स्पेशल वीडियो जिसमें हम वन शॉट कवर करेंगे लाइव प्रोसेस को। पूरे होल लाइव प्रोसेस को हमने कवर किया था 9 पार्ट में, जिसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दिए हैं पूरी वीडियोस में। इस वीडियो में आपको पूरे एक ही बार में समराइज करवा देंगे विद इन 1 आवर के अंदर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी बुक या फिर अपने नोट्स को खोल के साथ में बैठना है और बिल्कुल साथ साथ में चीजों को यही याद करके चलना है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वन शॉट, देखेंगे वन शॉट वीडियो किसकी, लाइव प्रोसेस की। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसमें आपको करना क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना है और यहीं पे हमारे साथ साथ टॉपिक्स को याद करके जाना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। अगर आप सभी ने एक एक पार्ट वाली वीडियो, डिटेल वीडियो देख रखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि हम लाइव प्रोसेस को जब स्टार्ट करे थे तो हमने बताया था कि सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग में हमने डिफरेंस बताया था। हमने बोला था कि जो चीज लिविंग होगी ना, कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होंगे। पहला उसमें से होगा ग्रोथ, सेकंड होगा अपना रिप्रोडक्शन, थर्ड होगा अपना रिस्पांस टू स्टिमुलाई और फोर्थ होगा अपना मेटाबॉलिज्म। हम बात करते हैं, अगर आगे जैसे बढ़ते हैं, हम ग्रोथ की बात करें तो हमने बताया था कि ग्रोथ जो है, एक हमने एग्जांपल लिया था कि अपने पास ये रही पहाड़ और ये झरना है, यहां से पानी आ रहा है और यहां पे मैंने बताया पानी आ रहा है तो इस झरने से इस पहाड़ के छोटे छोटे कंकड़ टूट के आ रहे होंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे छोटा कोई गड्ढा था जहां पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो गए और मैंने कहा कि बिलियन और ट्रिलियन ईयर बाद यही डिपॉजिट होते 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 एक माउंटेन क्रिएट हो गया। ये क्या है, अपना माउंटेन है। क्लियर है क्या, अपना क्या हुआ, माउंटेन क्रिएट हो गया। तो मैं कह दूं क्या कि ग्रोथ तो इसमें भी हुई है, ग्रोथ तो इसमें भी हुई है। तो मैं क्या कह दूं क्या कि ग्रोथ क्या है, लिविंग की प्रॉपर्टी है। कह सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, बट ये प्रॉपर्टी तो है। बट मैं कह सकता हूं, क्या कहूं, मैं बोलूं कि ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या, इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं प्रॉपर्टी, क्लियर है। अब इसी तरह रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल मैंने आपसे एक बताया था, अभी कोई इंसान हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो बच्चे पैदा ना करे तो मैं क्या कहता हूँ क्या कि वो मरा है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते ना। तो वो भी मैं बोलूंगा कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट इसेंशियल, या फिर इसी को मैं बोल दूं इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या, तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अपना जो रिप्रोडक्शन वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों, वो भी अपनी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन, देखो ना मैं बताऊं, मैंने बताया था एग्जांपल, अगर आप जब डिटेल्ड वीडियो की लेक्चर देखोगे ना तो मैंने बताया था कि मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का जो क्रॉस होता है, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का जो क्रॉस होता है, एक सेकेंड, मेल हॉर्स हमने क्या लिया, मेल हॉर्स लिया था और फीमेल डंकी लिया था, इसके बीच क्रॉस करवाया था तो जो अपना रिजल्टेंट बेबी जो हुआ था उसको हमने क्या बोला था, उसको बोला था म्यूल, आम भाषा में उसको बोलते हैं खच्चर। वो फर्टाइल नहीं होता लेकिन काम तो करता है ना, जिंदा तो है, खाता पीता तो है ना, तो कह सकते हैं वो भी लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकता, तो अभी वो लिविंग कैरेक्टर है। तो मैं बोल दूं कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एज वेल एज ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये दोनों हमें क्या मिल गए, दिस टू कैरेक्टर्स आर नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है। थर्ड वन देखिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के बारे में हमने बताया था कि ऐसी कोई भी चीज हो या फिर ऐसी हर चीज लिविंग मानी जाएगी जो अपने इन्वायरमेंट के कंडीशन के हिसाब से खुद को दिखाए, खुद को उसके अडॉप्ट करे या फिर खुद उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स दिखाए। जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की या फिर किसी एनिमल्स की बात करूं, तो एनिमल्स अगर मान लो एक जगह बैठा है, सनलाइट आई या फिर मैं बोल दूं बाहर वो बैठा है, तो अगर बारिश हुई तो वो क्या करेगा, बारिश में भीगेगा तो वो उठ के किसी छांव में शेडी प्लेस में चला जाएगा। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उसने एनवायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पांस दिखाया। तो मैं कह दूं क्या, रिस्पांस टू स्टिमुलाई इज द कैरेक्टर, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहां पर हमको पहला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिला, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसकी, लिविंग थिंग की। क्लियर है क्या। लास्ट वन इज मेटाबॉलिज्म, हमने बताया था कि मेटाबॉलिज्म दो तरह के होंगे। मेटाबॉलिज्म क्या है पहले आप जान लें, मेटाबॉलिज्म अगर मैं बताऊं तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल, अगर मैं लिखूं मेटाबॉलिज्म क्या है तो यहां पे समझना आप, सम टोटल ऑफ
रिएक्शन सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस अकर्ड अकर्ड इन आवर बॉडी, मतलब जितनी भी तरीके की रिएक्शंस बॉडी में होगी वो सभी रिएक्शनों को हम बोलेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म। इसी को हमने बोला था दो कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप में बताया था मैंने, बोला था एक होगा अपना एनाबॉलिज्म, एक होगा एनाबॉलिज्म और दूसरा होगा अपना कैटाबॉलिज्म। क्लियर है क्या? मैंने बोला ए से एडिशन होगा, क्या बोला मैंने, ए से एडिशन, ए से एनाबॉलिज्म, मतलब एनाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शन होगी जो किसी एडिशन के साथ साथ बन रही होगी, जैसे कार्बन से बना बॉडी हमने लिया, इंटेक किया ऑक्सीजन और अब जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकला मैं बोल दूं क्या CO2 निकला, तो मैं कह दूं कि दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं एक तरह का, मैंने ये एक जस्ट एग्जांपल दिया समझने के लिए। और कैटाबॉलिज्म, जब एक जोड़ेगा तो दूसरा क्या करेगा, तोड़ेगा, तो ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कैसी हुई, हमने क्या खाया, हमने खाया क्या रोटी, बोले तो चपाती, और चपाती कैसी है, पॉलीसेक्राइड है। क्लियर है क्या? पॉली मतलब ढेर सारा, सेक्राइड मतलब सुगर की बेसिक चेन, इसका मतलब सुगर की बेसिक चेन जो ढेर सारी मिल जाए एक साथ उसे बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर है क्या? तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट को आप बॉडी एक पर्टिकुलर सेल्स में नहीं भेज सकते, तो उसमें भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या कि वो बेसिक फॉर्म में आ जाए, तो इस पॉलीसेक्राइड को तोड़ना इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर है क्या? आप सभी को लिविंग कैरेक्टर्स क्लियर हो गए क्या? चार लिविंग कैरेक्टर हैं, साथ साथ में रिवाइज करिए। पहला मैंने बोला ग्रोथ है, दूसरा अपना क्या है साथ, दूसरा अपना रिप्रोडक्शन है, और तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा क्या होगा अपना रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और चौथा क्या है मेटाबॉलिज्म। याद रहेगा। चले आगे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, चौथा है मेटाबॉलिज्म। क्लियर है क्या? ग्रोथ तो पहाड़ों में भी हो रही है, किसी भी चीज में होगी, तो मैंने बोला ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट रिप्रोडक्शन की बात किया, रिप्रोडक्शन की बात किया, मैंने एग्जांपल दिया था मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का, जब क्रॉस हुआ तो बना क्या, म्यूल बना। म्यूल क्या है, एक तरह का खच्चर जो काम करता तो है, जिंदा तो है, लेकिन वो फर्टाइल नहीं हो सकता क्योंकि वो इंट्रा स्पेसिफिक चीजों के साथ रिप्रोडक्शन हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक नहीं इंटर स्पेसिफिक चीजों का। मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन की क्राइटेरिया यही है कि सेम स्पीसी के बीच अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा फर्टाइल होगा, लेकिन अगर अलग अलग स्पीसी के बीच आप रिप्रोडक्शन कराओगे तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फर्टाइल नहीं होगी। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं म्यूल का एग्जांपल क्या है, म्यूल को मैंने बोल दिया कि म्यूल इज क्या है, म्यूल जो है अनफर्टाइल या फिर इनफर्टाइल है, तो ये अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को नहीं बना सकता है, फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा तो है। मैं बोल दिया आज के बाद रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों अपनी डिफाइनिंग लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइन नहीं करती क्लियरली। मैंने जहां पे दूसरी बात करी, मैंने इन दोनों कैरेक्टर को पकड़ा, पहला पकड़ा क्या, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मैंने बोला ऐसी कोई भी चीज हो जो अपने एनवायरनमेंट के बदलने से खुद को बदलने या फिर खुद रिस्पॉन्स दिखाया चेंज होने से, मैं बोला कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया मीमोसा पुड़िया जिसको बोलते हैं छुई मुझको पकड़ने से, हाथ से पकड़ते तो उसमें थर्मल एक्टिविटी होती है, मतलब कि वो टेम्परेचर के सेंसिटिव है, इसका मतलब मैं उसको छूंगा मेरी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगी तो अपने को कर्लिंग शो करेगी, इसका मतलब मैं बोल दूं क्या बोलूं कि वो क्या है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उसने अपने स्टिमुलाई मतलब बाहर का एनवायरनमेंट के बदले अगेंस्ट में उसने क्या किया, रिस्पॉन्स शो किया, तो मैं बोलूं क्या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई उसकी एक्टिविटी है। सेकंड में बात करता हूं, लास्टली मैं बात करता हूं मेटाबॉलिज्म, मैंने बात किया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैंने बताया कि सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी, मतलब अपनी बॉडी में जितनी भी तरह की रिएक्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह की होती है, एक बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ए से एडिशन, ए से एनाबॉलिज्म, मतलब ये ऐसी रिएक्शन होगी जो किसी को जोड़ के बने, दूसरी अगर एक जोड़ रही तो दूसरी क्या करेगी, तोड़ेगी। मैं बोला तोड़ के जो रिएक्शन बना उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, मतलब जो पॉलीसेक्राइड हमने रोटी खाया उसमें ढेर सारी शुगर की बड़ी बड़ी चेन है, तो मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो वो क्या करेगा, पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करेगा, तो पॉलीसेक्राइड डायरेक्ट हम इंटेक नहीं कर सकते पर्टिकुलर सेल में, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? लेकिन अगर उसको बोलेंगे उस प्रोसेस बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, अगर एनाबॉलिज्म में बात करूं, एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म में कोई दो चीज जोड़ना पड़ता है, मान लो कार्बन की बनी बॉडी, उसमें हमने इंटेक किया ऑक्सीजन को, बनाया क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल निकल गया, तो मैं बोल दूं क्या एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक मतलब जुड़ के जो बन रहा हो, कैटाबॉलिज्म मतलब मैं बोल दूं जो पॉलीसेक्राइड बन रहा हो। क्लियर है क्या? आपको सबको रिवाइज करवा दिया, आज कभी भूलना मत आप लोग, क्या लिविंग के चार कैरेक्टर क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है क्या, तो कमेंट करो सारे, अगर इतनी बातें क्लियर है कोई भी डाउट हो तो कमेंट मारो जल्दी से। क्लियर है? आगे बढ़े, चले आगे, नेक्स्ट अपना हेडिंग न्यूट्रिशन। चले नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी।
न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिशन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन मिनरल्स विटामिन्स एंड वाटर एन ऑर्गेनिज्म वेल यूटिलाइजिंग इज इट एज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स fats are the nutrient which is used for an organism for the mainly as a source of energy, whereas protein and minerals are the nutrients we use for biosynthesis ya fir bodybuilding ka. Matlab keh raha ki nutrition ek tarah ka process hai. न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस है कि सराउंडिंग से खाना को लेना और ऑप्टेन करना, उससे क्या एनर्जी ऑप्टेन करना, उसी से यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा है कि क्या कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दोनों क्या काम करेंगे. ये काम करेंगे इंस्टेंट एनर्जी देने का. क्या ये काम करेंगे? इंस्टेंट एनर्जी देने का. लेकिन जो अपना प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन ये क्या काम करेगा? बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस बोलूं या फिर मैं बोल दूं क्या बॉडी बिल्डिंग. क्लियर है क्या? बायोसिंथेसिस बोलूं या फिर मैं बॉडी बिल्डिंग बोल दूं, इसका मतलब हमें जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उसके किससे किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है. और जो बॉडी बिल्डिंग मतलब सेल, हमें चोट लग गई, सेल टूट गई, यहां पे ब्लड हो रहा है, तो उसको उसका सेल डिवीजन होने का कारण कौन है? प्रोटीन का काम करता है. मतलब प्रोटीन क्या काम करता है? बॉडी डेवलपमेंट का काम करता है. क्लियर है क्या? चलें नेक्स्ट क्या है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें. मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं. फर्स्टली अपना ऑटोट्रॉफ होता है. ऑटोट्रॉफ मैंने बताया था, ऑटो मतलब खुद से, जो हम बोलते ना जाते हैं आम भाषा में कि आज ऑटो कर लेंगे, मतलब ऐसी ऐसी गाड़ी जिसमें हम बैठेंगे वो अपने आप चलेगी हमारे कहने पे, उसे हमने बोला ऑटो. यहाँ पे ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफिक मतलब की बनाना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद ऑब्टेन करें उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स. क्लियर है क्या? दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक. क्लियर है क्या? फोटोसिंथेसिस. दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. देखें नेक्स्ट, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपना सेकंड टाइप का है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. वहां पे ऑटो था मतलब खुद से बनाना, हेट्रो मतलब जो दूसरे पे आश्रित हो, ऐसे न्यूट्रिएंट जो दूसरे पे आश्रित. दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन व्हिच ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड सम प्लांट मतलब इंसेक्टिवोरस की बात हो रही है ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग देयर ऑर्गेनिज्म एंड हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय देयर और दे डिपेंड एक्सटर्नल सोर्स पे वो डिपेंड करते हैं. क्लियर है क्या? हेटरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप तो सिंपल चीज है, बट आप देखें अब इसी तरह हेटरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ये एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है. क्या करता है? खुद बनाता है. इससे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है. क्या? C6H12O6 ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है. मतलब इसी को हमने क्या बोला? इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज, या फिर इसी को हम बोलते हैं इसी का एक फॉर्म होता है सुगर. क्लियर है क्या? कुछ भी बोल लो. देखो क्या कह रहा है, द ग्रीन प्लांट हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जाहिर सी बात है, क्यों क्यों पूछा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है जो कि आगे आने वाला है. ग्रीन प्लांट अपने खुद खाना बनाते हैं इसलिए वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. और इसी तरह ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं. मैंने बताया था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे यूग्लिना की मैं बात करूं, ये क्या करता है? लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट नहीं होगा तो ये कीमोसिंथेसिस करेगा. क्लियर है क्या? आगे देखें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए क्या है. दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, वाटर बोले तो H2O आर कॉल्ड दी ऑटोट्रॉफर्स. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. याद रखने वाली बात क्या है कि अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है, ये दोनों अपना क्या है? ये दोनों अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ये क्या है? अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. क्लियर है क्या? चलें, सो वी कैन से दैट दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफर्स. मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरमेंट की इनऑर्गेनिक चीजों को लेकर खाना बना ले, उन्हें हम कह सकते हैं वो क्या है? ऑटोट्रॉफर्स. ऑल ग्रीन प्लांट्स में कौन कौन आता है? याद रखिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफर्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अभी तो बताया कार्बन डाइऑक्साइड. कौन कौन? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वॉटर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑटोट्रॉफर्स contains green pigment called chlorophyll. अब ये क्लोरोफिल की बात आई है. क्लोरोफिल होता क्या है? ये एक तरह का पिगमेंट है. क्या? ये एक तरह का पिगमेंट है जो क्या करता है? जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. ग्रीन कलर जनरली ये होता है क्लोरोफिल ए बी
सी एटसेट्रा। अब ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस से प्लांट्स में ग्रीन कलर आता है और इन्हीं की वजह से ये सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, और सनलाइट को ट्रैप होगी तो सनलाइट के हेल्प से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस चलेगा, और फोटोसिंथेसिस चलेगा तो फिर खाना बनेगा। इसलिए बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इसी तरह हेटरोट्रॉपिक देख लीजिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, किससे, बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। अब जब अपना खाना कोई खुद नहीं बना सकता तो जाहिर सी बात है वो किस पर डिपेंड होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसके लिए, खाने के लिए। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म सब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होते हैं मोस्टली। इसलिए देखो क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक, बहुत से बैक्टीरिया और फंजाई भी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। Those organisms which cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide as well as water, they depends on other organism for their food. इसी तरह non-green plants आते हैं like कौन-कौन, yeast are called heterotrophs, इसका मतलब yeast भी क्या होते हैं, heterotrophs होते हैं एक तरह के। अब देखें अपने पास तीन तरह के heterotrophs हैं, एक है अपना saprophytic nutrition, एक का follow करता है अपना parasitic nutrition, एक अपना holozoic। अब ऐसे सुन लें जल्दी से, सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग पे नहीं करते हैं, डेड और डिकेइंग मतलब सड़ी गली चीजों पे। सेप्रोफाइटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना आप देखोगे तो मशरूम है। मशरूम गांव में जाओगे जहां पे गोबर रखा होता है, मतलब काउडंग जैसे गोबर रखा होता है, सड़ी लकड़ियां होती हैं, बारिश के सीजन में जून जुलाई के महीने में आप देखोगे मशरूम अपने आप उग जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो डेड और डिकेइंग सड़ी गली लकड़ियों पे है। पैरासाइट क्या है, पैरासाइट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किस पर डिपेंड हो, अपने होस्ट पे। कोई एक ऑर्गेनिज्म जैसे मच्छर, हम लोग क्या हमारे ब्लड को ले जाता है, क्यों, अपनी उसकी सेकंड जनरेशन जो होती है हमारे लीवर में डेवलप होती है, इसलिए उनको बोलते हैं मच्छर को डाइजेनिक। डाई मतलब दो, जेनिक मतलब जनरेशन, तो मतलब होस्ट, ये क्या है होस्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट पे डिपेंड करे। होस्ट पे, होस्ट का क्या होता है, ये होस्ट वो बेचारा होता है जिसका वो खून चूसे या फिर उसका एनर्जी खाए और उसको धीरे धीरे मार डाले, कौन, वो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक मतलब होता है कि सॉलिड इनगल्फिंग, सॉलिड ईटर, सॉलिड ईटर मतलब जो सॉलिड फॉर्म में खाना खाए, समझे क्या, जैसे क्या चपाती एटसेट्रा जैसे हम लोग खाते हैं, इसका मतलब होलोजोइक में हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं क्या, एक बार देख लें आप इमेज भी। सेप्रोफिटिक का देख लें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग चीज पे अपना खाने के लिए डिपेंड करें। सेकंड अपना पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड, अपना खाना पाता है या फिर लेता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग इट, उसे बिना मारे, धीरे धीरे मारेगा, एक ही दिन मार देगा तो कल क्या खाएगा, इसलिए उसे धीरे धीरे मारो, धीरे धीरे खाओ, क्लियर है क्या। फर्स्ट एग्जाम्पल मॉस्किटोज का, होलोजोइक हम इंसान, होलोजोइक मतलब ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को खाए, मतलब सॉलिड फॉर्म में मटेरियल को ले, क्लियर है क्या। अब देखें न्यूट्रिशन इन प्लांट होता क्या, अब जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है, ध्यान से देखें, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज, ये ग्लूकोज वही है C6H12O6, ये कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से बना, कब, कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर, जैसे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीफ, बच्चा ग्रीन लीफ में ही क्यों, ये ग्रीन लीफ ग्रीन क्यों हुई, प्रेजेंस ऑफ, मैंने अभी बताया था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये क्या है, मैंने बताया था इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट जो क्या प्रोवाइड करता है, कलर, हेल्प क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करना, क्लियर है क्या। देखो ना, सनलाइट मिली, सनलाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले, क्लोरोफिल का प्रेजेंस मिला, सनलाइट मिल गई तो क्या बन गया, देखो ना ग्लूकोज बन गया, मैं इसी ग्लूकोज को बोल दूं क्या, C6H12O6, एक तरह का सुगर ही है, और ये अगर ग्लूकोज है तो अगर ज्यादा अमाउंट बन गया तो ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा प्लांट्स में, स्टार्च के फॉर्म में। तो आज के बाद अगर कोई पूछे प्लांट्स में एनर्जी या फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है तो आप ठोक के बोलेंगे क्या, स्टार्च के फॉर्म में, क्लियर है क्या। निकलेगा ऑक्सीजन, सभी को पता है, जो हमारे काम का, देखिए प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस इज ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, फंडामेंटल अगर कभी कोई चीज आ गई कहीं पे इसका मतलब ये बेसिक है, बेसिक के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट अकर्स इन प्लांट्स एल्वी एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट सनलाइट
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदलते हैं ए टाइप ऑफ शुगर जिसको बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन क्या है, यूजिंग ऑक्सीजन और क्लोरोफिल, ऑक्सीजन तो इवॉल्व होता है क्लोरोफिल की हेल्प से बाय द पिगमेंट ऑफ सेल्स। द प्रोसेस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द अर्थ इकोसिस्टम। अब देखें अर्थ के इकोसिस्टम में क्यों ये हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस होगा तो मतलब खाना बनेगा, मैं बोल दूं फूड, फूड बनेगा, फूड बनेगा तो प्लांट जिंदा रहेगा, और प्लांट जिंदा रहेगा तो इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, प्लांट जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो प्लांट जिंदा रहेगा, तो एक बैलेंस बना के रखता है क्या एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, होता क्या है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय क्लोरोफिल। बस याद रखिएगा लाइट को करने का काम कौन करेगा, क्लोरोफिल, क्लियर है क्या। अब ये करेगा क्या, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब होगा क्या, ये जो वाटर होता है ना इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एच प्लस प्लस ओ एच माइनस करेंगे या फिर ओ को यहाँ पे इवॉल्व करेंगे हटाएंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, आपके लेवल पे अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन तब होता है जब हाइड्रोजन का एडमेंट हो जाए या फिर ऑक्सीजन का रिमूवमेंट हो जाए तो इसे बोलते हैं रिडक्शन, क्लियर है याद रखेंगे। और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना कहलाता है रिडक्शन, जस्ट उल्टा कर दोगे तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, ये पेपर में कंफर्म आएगा या फिर फोटोसिंथेसिस अगर कहीं पूछ लिया तो आप ये रिएक्शन आंख बंद करके जरूर डालें, ये रिएक्शन डालने से आपका आपकी कॉपी का आंसर और इंप्रेशन अच्छा बनता है। जैसे देखें यहाँ पे 6CO2 होगा, 6CO2 का यूज किया और बनाया क्या, और 12, अच्छा ये 12 और 6 पे आप ना जाइए, ये रिएक्शन को बैलेंस करने का काम हो रहा है। मतलब मैं सीधा सीधा बात करूं तो ये CO2 है क्या, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के बना जो अपने को रिक्वायरमेंट है एनर्जी, या फिर बोलूं मैं इसे क्या ग्लूकोज बोल दूं, तो प्लस क्या है वाटर, क्लियर है क्या। चले फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें नेसेसरी है, पहला अपना सनलाइट, दूसरा अपना क्लोरोफिल, तीसरा अपना कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा अपना वाटर। तो आपको याद रखना है कि फोर थिंग्स आर नेसेसरी किसके लिए, फॉर द फोटोसिंथेसिस। याद रखेंगे आज के बाद फोर थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लियर है क्या फोटोसिंथेसिस, क्लियर। चले आगे, अब देखें कोई पूछ सकता है कि रॉ मटेरियल, बोले तो कच्चा माल क्या है इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल क्या क्या है, तो आप बोलिएगा फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल अपना कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। अगर आप सभी को याद हो तो इसी को हम क्या बोले थे, इन्हीं दोनों चीजों को हम बोले थे सिंपल, क्या हमने क्या बोला था, इन दोनों चीजों को हमने बोला था दे आर नोन एज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्लियर है क्या। चले नेक्स्ट देखें, अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करता है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे टीनी पोर्स छेद होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या स्टोमेटा, ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, लीफ की सर्फेस पे, मैंने इसको डिटेल बता रखा है। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो सिंथेसाइज करते हैं थ्रू स्टोमेटल पोर। देखें अगर आप स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो ये अपना स्टोमेटल पोर है, कौन सा, ये अपना स्टोमेटल पोर है। अभी होता क्या है, जब सनलाइट होती है तो ये खुला होता है बिल्कुल ऐसे, जब सनलाइट नहीं होती मतलब लाइट जब तक रहे तब तक ये ओपन रहेगा, लेकिन जब रात होती है तो ये क्लोज हो जाता है। देखें इसमें इस स्ट्रक्चर देखें स्टोमेटल पोर क्लोज हो चुका है, इसको ओपन और क्लोज करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। अगर आप अदर गार्ड सेल्स देख पा रहे हैं तो ये इसकी किनारे की लेयर को जो कहलाते हैं गार्ड सेल्स है, क्लियर है क्या। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। अगर मैं बोल दूं ओपन स्टोमेटा कब होगा, ड्यूरिंग डे टाइम मैं बोल दूं, और क्लोज स्टोमेटा कब होगा तो मैं बोल दूं ये नाइट टाइम, क्लियर है क्या, बात सही है। चलिए आगे नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, अब पेड़ पानी कैसे लेते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखें द वॉटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जाहिर सी बात है रूट से ही एब्जॉर्ब करेंगे, फ्रॉम द सॉइल,
दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। मैंने आप सभी को दो प्रोसेस बता रखा था जब डिटेल्ड क्लास पढ़ाया था, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है डिफ्यूजन, और मैंने बोला था दूसरा होता है क्या, ऑस्मोसिस। मैंने बताया था कि डिफ्यूजन हायर कंसेंट्रेशन एरिया से लोअर कंसेंट्रेशन एरिया में ट्रेवल करता है, और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की मैंने एक डेफिनेशन बता रखी थी इंग्लिश में, स्पॉन्टेनियस मतलब एक साथ अपने आप, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर, सॉरी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो जो ऑर्गेनिज्म को चीजें चाहिए वो सेलेक्ट करके अंदर परमिएबल करेगा। परमिएबल मतलब परमिशन देना, परमिएबल से पी से परमिएबल, पी से परमिशन, ठीक है। द वॉटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड। जाहिर सी बात है पानी अगर जड़ से जा रहा है, देखो ना पानी जड़ से जा रहा है तो मैं बोल दूं क्या ये ऊपर ही जाएगा, क्लियर है क्या, अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल, ध्यान देना मैं बताऊंगा, जाइलम वेसल टू द लीफ वेयर इट रीच फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द यूटिलाइजिंग द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस, क्लियर है क्या। अब सुने जो जाइलम की बात हुई उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, पहले इसको देख लें, साइट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर कोई पूछे तो बोलिएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है क्या। देखो क्लोरोप्लास्ट आर दी ऑर्गेनेलीज, मैंने बताया कि अगर किसी ऑर्गन का, किसी बॉडी के अंदर ऑर्गन उसे बोलेंगे बॉडी ऑर्गन, उसी तरह सेल के अंदर की जो चीजें उसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। देखो ऑर्गेनेलीज इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट विच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो उसे बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल या फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल लीफ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, समझे इस बात को आप रट लेगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होता है सेल में, सेल में लीफ के क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में, ध्यान समझे। अब ये लीफ की ना, लीफ की ऐसी स्ट्रक्चर ध्यान समझे, ये क्या है अपर, अपर मतलब ऊपर, एपिडर्मिस मतलब ऊपर की चमड़ी, ये जो ऊपर की लेयर देखो ये क्या है ना, ये वाली लेयर है क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल लेयर मतलब मोम की लेयर है, स्लिपरी होती है, क्यों कि धूप लगे और ज्यादा क्या हो वेपर, ज्यादा उसके पेड़ों का जो पानी है उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वेस्ट बोलो या फिर कुछ भी बोल लो, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लांट, उस पेड़ की टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो पानी उड़ता है दिन में वेपर बनके उसे बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन, समझे। अब ये क्यूटिकल लेयर क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन कम कर देगा तो पेड़ों का पानी ऊपर जाएगा वेपर बन के, तो पेड़ों में पानी ज्यादा रहेगा, तो पेड़ों में पानी रहेगा तो पेड़ स्वस्थ रहेंगे, अगर पेड़ में से पानी चले गए तो जल जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। इसके नीचे की लेयर को बोलते हैं हम क्या, पैलिसिड लेयर, और ये देखो इस ये पैलिसिड लेयर जो है ना इसी के अंदर छोटे 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 क्लोरोप्लास्ट है, क्लियर है क्या। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है, अब इसके नीचे आते हैं स्पॉन्जी सेल, अगर मैं बोलूं स्पॉन्जी सेल मतलब ये पक्का किससे बने होंगे, स्पॉन्ज से, स्पॉन्ज बोले तो वो जो दुत्ता होता दुत्ता है, स्पॉन्ज मतलब पक्का उसके अंदर एयर वैक्यूल्स होंगे, ये देखो ना ये सब एयरी स्पेस है, बोल दूं क्या एयरी स्पेस, ये क्या काम करते हैं, ये देखो ना स्टोमेटा ओपन हुआ तो एयर का अंदर आना एयर का बाहर जाना ये वाला काम करेगा, और स्टोमेटा की ओपनिंग का काम ये देखो ना गार्ड सेल, गार्ड नाम ही है गार्डिंग करना, मतलब गार्ड सेल इसको क्या करेंगे, ओपन करवाएंगे क्लोज करवाएंगे किसको, स्टोमेटा को, किस लिए, ताकि एयर अंदर बाहर आ जा सके, क्लियर है क्या। चले आगे, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, देखो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट प्लांट और अदर एनिमल्स विच दे ईट, द नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हरे नहीं है वो तो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। देखो इवन प्लांट्स ईट इंसेक्ट, मैंने एग्जांपल बताया था पिक्चर प्लांट का और विनस फ्लाई ट्रैप का, आप अगर इस फोटो को देख पा रहे हो तो ये फोटो है विनस फ्लाई ट्रैप की और ये है पिक्चर प्लांट, मैंने इसके बारे में डिटेल बताया है, जब ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आता है तो ये इसको ऐसे बंद कर लेता है, अब इस ऑर्गेनिज्म से ये नाइट्रोजन चीज खा लेता है, जनरली ये पेड़ पाए जाते हैं ऐसी मिट्टियों में जहां की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है, अब नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खा के उससे नाइट्रोजन लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, उन तरह के हर्बीवोरस जो केवल घास खाए, कार्निवोरस जो केवल मीट मछली खाए, थर्ड क्या है ओमनीवोरस जो दोनों खाएं, क्लियर है क्या, देख सकते हैं आप ये तो सिंपल चीजें हैं। सेकंड है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, अब देखें अपने पास पांच स्टेप होता है, इंजेशन, इंजेशन मतलब खाने को खाना, डाइजेशन मतलब खाने को पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब उस पचे हुए खाने से जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, खाना खींच लेना छान लेना उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, देन उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को हर जगह पहुंचाना, हर एक छोटी छोटी सेल के पास तक पहुंचाने को बोलते हैं एसिमिलेशन,
देन लास्ट वन इज जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अपनी बॉडी को गलत नुकसान कर सकता है या फिर ज्यादा नुकसान कर सकता है, उसको एक्सपेल आउट कर देने को कहते हैं इंजेशन। क्लियर है क्या? पांच स्टेप याद रखिएगा ध्यान से। इस तरह न्यूट्रिशन इन अमीबा भी, ये देखो इंजेशन, पहला प्रोसेस इंजेशन मतलब खाने को खाना। ये देखो ये इसका फूड है, इस फूड को ये एक ऐसे कवरिंग करके पड़ता है और जिससे वो कवरिंग करता है ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, मतलब ये दिखने में तो इसका फीट इसका पैर है लेकिन ये फॉल्स फीट है। क्यों? क्योंकि जब ये चाहे इसको बना ले, जब ये चाहे इसको हटा दे। खाने को खाना इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, खाने को खाने के अंदर लाइटिक एंजाइम्स बोले तो इसको तोड़ने या फिर डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, उसे बोलते हैं लाइटिक एंजाइम, डाला एंजाइम डाल के उसको पचा दिया तो बोले डाइजेशन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, उस खाने से जो न्यूट्रिएंट मिला उसको देखो एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो एरो बाहर जा रही है एब्जॉर्ब कर रहा है, अब इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को हर एक जगह देखो फैला दिया, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। अब जो खाना नहीं पचा या फिर अनवांटेड मटेरियल उसको देखो बाहर एक्सपेल आउट कर दिया, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, उसे बोलते हैं इजेशन। क्लियर है क्या? न्यूट्रिशन इन अमीबा क्लियर। कितना देखें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट, तो ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, द वेरियस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड। सीक्वेंस कर देखो तुम्हें, सबसे पहले माउथ में खाना रखेंगे, देन इसोफेगस बोले तो फूड पाइप, या और उसके बाद पहुंचेगा खाना कहाँ, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्प्शन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन से जो एकदम फाइनल प्रोडक्ट बनेगा निकलेगा, और ग्लैंड जो होती है उसमें एसेसरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन देके उसको क्या करती है फूड को न्यूट्रलाइज करती है, फिर उस हिसाब से करती है काम, उसको हम डायग्राम देते हैं अब। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है कि ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल अगर मैं बोलूं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, द पाइप फ्रॉम माउथ, MOUTH, माउथ मतलब बोले तो मुंह से लेके जहां से अपना अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, मैं बोलूं एनस तक, यहां तक कि एक होलो पाइप है, होलो पाइप है, और दिस होलो पाइप, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन आ जाएं, इस पूरे होलो पाइप को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है क्या? पानी पी लूं। चलिए इसी तरह न्यूट्रिशन ह्यूमन देखेंगे तो पहला प्रोसेस क्या, इंजेशन, खाने को खाना। खाने को हम मुंह में रखते हैं, खाते हैं, तो याद रखिएगा हमारे मुंह में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सिलेवरी एमाइलेज, सिलेवरी एमाइलेज, जो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को एटलीस्ट 60-65% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का मुंह पे स्टार्ट कर देता है। क्लियर है क्या? एंजाइम का नाम सिलेवरी एमाइलेज। पहला स्टेप इंजेशन, खाना मुंह को मुंह में रखना, खाना मुंह में, लेकिन अपना डाइजेशन शुरू हो गया। सेकंड स्टेप है अपना डाइजेशन, खाने को पचाना। देखो द माउथ कैविटी और द बकल कैविटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउथ कैविटी, माउथ कैविटी बोला तो सिर्फ और सिर्फ माउथ की बात हुई, लेकिन बकल कैविटी बोल दिया तो इसमें अपने टीथ प्लस टंग प्लस अपने एसेसरी ग्लैंड्स जो माउथ में है, इनको कंबाइन करके बोलते हैं बकल कैविटी। क्लियर है क्या? कंटेंस क्या क्या, देखो टीथ, टंग एंड सिलेवरी ग्लैंड, इन तीनों को लेके हम बोलते हैं बकल कैविटी। सिलेवरी ग्लैंड, देखो सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है, हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? द ह्यूमन सिलेवरी ग्लैंड, या फिर बोलो ह्यूमन सलाइवा, थूक जो होता है, कंटेन करता है कौन सी एंजाइम, कॉल्ड सिलेवरी एमाइलेज। याद रखिएगा सिलेवरी एमाइलेज होता है किसमें, हमारे थूक में। क्लियर है क्या? विच डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, स्टार्च किसका फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, जो अपने अपने फूड में जितने सुगर और स्टार्च होते हैं उनको, उनका डाइजेशन काम कर देता है मुंह में ही। क्लियर है क्या? तभी देखो कोई रोटी को आप खूब चबाओ खूब देर बाद तो आपको मिठास आने लगती है। देखें माउथ को बोला बकल कैविटी, माउथ से खाना यहाँ पे ट्रेवल हुआ, ये अपनी सिलेवरी ग्लैंड से अपने टाइलिन या फिर मैं बोलूं सिलेवरी एमाइलेज हुआ स्टार्ट, तो अपने कार्बोहाइड्रेट शुगर का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये जो पाइप है इसको आम भाषा में तो फूड पाइप बोलते हैं लेकिन इसको इसोफेगस भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये टंग है अपनी, खाना उसके बाद आया आपने कहा स्टमक में, आया स्टमक में एसेसरी ग्लैंड्स ने अपना सिक्रीशन दिया जिसके बारे में हम बताते हैं आगे। देखें व्हेन स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, जब थोड़ा सा डाइजेस्टेड फूड इंटर हुआ कहां, फूड पाइप में, ध्यान समझिएगा, द वॉल ऑफ फूड पाइप स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। मैंने बताया था अगर किसी पाइप में जबरदस्ती देखो अगर खाना डालोगे तो ये पाइप ऊपर जब खाना आ रहा है तो देखो ऊपर ऐसे फूली फिर नीचे पचकी, ऊपर फूली नीचे पचकी, ऐसे ऐसे करना, वो कॉन्ट्रैक्शन
एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप या फिर इसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको बेटा जरूर याद रखना, आ सकता है डेफिनेशन में, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन जो फूड पाइप में होगा उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर है क्या? देखें द स्टमक इज जे शेप, अपना जो स्टमक होता है जे शेप होता है, अपने लेफ्ट साइड एब्डोमेन में होता है। क्लियर है? स्टमक की जो वॉल है ना वो तीन तरह के ट्यूबुलर ग्लैंड से मिलकर बनी है, तीन तरह के ग्लैंड्स मिलकर बनी है। कौन कौन सी? ध्यान देखें, जो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। वो देखो द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स थ्री सब्सटेंस, गैस्ट्रिक जूस में तीन सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन? HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज पेप्सिन एंजाइम, थर्ड इज म्यूकस एंजाइम। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए रिलीज होता है ताकि पहली चीज जो बैक्टीरिया मुंह में बच गए उनको मारने के लिए पहला काम, और साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए रिलीज होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होकर पूरा मीडियम को एसिडिक बना देगा, पूरा मीडियम को एसिडिक बना देगा तो ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होगी। क्यों? पेप्सिन एंजाइम को ना एसिडिक मीडियम लगता है, एसिडिक मीडियम ये मांगता है कि हमारा एक्टिवेट हम तभी होंगे जब मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। जब ये मीडियम एसिडिक कर देगा तो ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और ये पेप्सिन एंजाइम अगर एक्टिव हो जाएगा तो ये पेप्सिन क्या काम करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन क्या काम करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अगर बॉडी में ज्यादा एसिड हो गई तो अपने वॉल को नुकसान कर सकती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वॉल पे म्यूकस एंजाइम निकल जाता है ताकि वॉल को डैमेज ना करे और मीडियम भी एसिडिक हो जाए ताकि पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाए एसिडिक मीडियम से, और एक्टिवेट होते ही पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देगा। क्लियर है क्या? चले आगे, ये देखो इन एसिडिक मीडियम एंजाइम पेप्सिन बींग्स द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड टू फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब देखो मैंने बोला ना एसिडिक मीडियम में पेप्सिन क्या करेगा? एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव हो जाएगा तो ये किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। और अगर मैं बोलूं प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है मतलब पक्का प्रोटीन अपने छोटे छोटे फॉर्म में टूट रहा है, प्रोटीन का छोटा फॉर्म क्या है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के फॉर्म में टूट जाएगा। क्लियर है क्या? नोट पॉइंट क्या है? देखो द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम टू फॉर्म द स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज। अच्छा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहने भर का स्मॉल है बट उसकी लेंथ बहुत लंबी है, कितनी? 6.5 मीटर। इसको क्यों छोटा बोला? इसको छोटा बोला ऑन द बेसिस ऑफ इसका एरिया। तो देखो इन एडल्ट थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, स्मॉल इंटेस्टाइन जो जबकि बहुत बड़ी होती है लेकिन तब उसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स नैरो, मतलब इसका एरिया छोटा होता है, एरिया के बेस पे इसको स्मॉल बोलते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए दिस स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स द साइट ऑफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? एक जगह है, साइट है किसके लिए? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होने का। साइट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन? लाइक किसका? किसका? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का फाइनल डाइजेशन कहां हो जाएगा? मैं बोल दूं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन SI। क्लियर है? याद रखेंगे क्या? एक पॉइंट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का सेक्रेशन आता है, पहला लीवर, सेकंड इज पैनक्रियाज। लीवर क्या करता है? बाइल जूस, जो कि किस तरह का होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ये बाइल जूस देता है। और ये बाइल जूस का काम क्या करना? इमल्सिफाइंग करना। इमल्सिफाइंग मतलब फैट को तोड़ देना। क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ देना। ये देखो लिखा है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट कर देता है बाइल जूस का। दो काम याद रखना है आज से, मेक द एसिडिक मीडियम कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन। अब स्टमक का जो एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाएगा तो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई, तभी हम इनो लेते हैं। उस एसिडिटी एसिडिटी को या फिर उस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन करना मतलब बेस करना। और देखो ना बॉडी में एसिड पहले से था और ये बेस कर देगा तो एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। बोले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या? सेकंड क्या है? बाइल जूस ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द बॉडी, वही तो बात हो रही है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को तोड़ देना। क्लियर है क्या? सेकंड देखो द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स द ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स द इंटेस्टाइनल जूस, दीज इंटेस्टाइनल जूसेस कंटेन्स द नंबर ऑफ एंजाइम व्हिच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। अब देखें अगर मैं बोलूं स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल, अगर वो टूटेगा उसका डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन, याद रखना स्टार्च, याद रखना कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहां? बकल कैविटी में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सिलेवरी एमाइलेज, बट कंप्लीट डाइजेशन इसका कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है अपने छोटे फॉर्म स्टार्च में, प्रोटीन अपना टूटता है छोटे फॉर्म एमिनो एसिड में। याद रखेंगे अपना डाइजेशन चले
ये देखो एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हुआ एब्जॉर्ब फूड उसे विलाई ने एब्जॉर्ब किया। अब जब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया तो उसको सब जगह पहुंचाना भी तो है, सब जगह पहुंचाने को बोला हमने एसिमिलेशन। देखो ना द ब्लड कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज द पार्ट ऑफ द सेल। दिस एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी ऑफ सेल ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी। अब इसको यूज करो चाहे जिस काम के लिए, चाहे दौड़ने भागने एनर्जी के लिए, चाहे सेल टूट गई चोट लग गई इसको बनाने के लिए। लास्ट प्रोसेस जो अनडाइजेस्टेड फूड है मतलब उसको बोलते हैं इजेशन। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीकस मटेरियल इज कॉल्ड द एक्सिपिएंस, इसे बोलते हैं इजेशन बोलते हैं या फिर डिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ रेस्पिरेशन। चलो हो गया अपना डाइजेशन खत्म, देना हो रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन क्या होता है ध्यान सुनिए। अब डाइजेस्टेड फूड जो है एसिमिलेट हो गया बॉडी में, फैल गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में। द एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पस। अब जो खाना का न्यूट्रिएंट पहुंचा उसका दो यूज क्या? एसिमिलेटेड फूड इज यूज एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी। इसको एज ए फ्यूल तरह यूज हुआ एनर्जी के लिए, किसके लिए? ताकि लाइफ प्रोसेस का जो काम कर सके उसको एनर्जी पाने के लिए। एसिमिलेटेड फूड इज यूज एज द मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, पहली चीज ग्रोथ और रिपेयरमेंट। दूसरा पहली चीज अपने लाइफ प्रोसेस का दिनचर्या का अलग अलग सारी एक्टिविटी करने के लिए और ग्रोथ और रिपेयरमेंट करने के लिए, कहीं पर डैमेज में जो सेल टूट गया चोट लग गया उसको सही करने के लिए। तो बोला प्लीज नोट दैट फूड इज द फ्यूल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ सेल। समझे बात आती है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? पहला देखें, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जो खाने से एनर्जी को बनाए उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। सेकंड क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके इन द सेल यूजिंग फॉर द रिलीजमेंट ऑफ एनर्जी फॉर बर्निंग द फूड एलिमिनेशन, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ध्यान समझिएगा, तीन चीजें बनाएंगे हम। पहला द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एंड इक्वेशन। देखें कहा क्या, फूड को ऑक्सीजन के साथ मिला देना और निकालना क्या, वेस्ट मटेरियल एज ए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। मैं ये बार बार कहता हूं, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाने से एनर्जी को बनाया जाता है और इसमें तीन चीजें निकलती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपना फुल्ली वेस्ट मटेरियल है। सेकंड है अपना ये वाटर वेपर जो कि बोलते हैं ये पार्शियल वेस्ट मटेरियल है। और लास्ट क्या है अपना? एनर्जी। अरे यही तो बनाना था, यही तो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है। क्या है अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट? बनाना तो यही था लास्टली। ये क्या है अपना? ये है फुल्ली वेस्ट मटेरियल, फुल्ली वेस्ट है। ये क्या है? पार्शियल वेस्ट है ये, बट ये एनर्जी तो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। देखो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच रिलीजमेंट ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी सेल आर नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल में हो जाए उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। अब समझे, इसी तरह बातें होती हैं रेस्पिरेशन में। बस आप इतनी चीज जानिए कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे खाने से एनर्जी बनाई जाती है। इस प्रोसेस में तीन चीज निकलता है, मैं बार बार रटवा रहा हूं। पहला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्टेज मटेरियल, फुल्ली इसको बाहर निकाला जाता है। सेकंड वाटर जो पार्शियल वेस्टेज है। एनर्जी जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तुम समझे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, आप समझिएगा। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन, ऐसा मैकेनिज्म या फिर ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता हो और एयर से और निकालता हो कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बोलते हैं ब्रीथिंग। मतलब मैं बोल दूं क्या, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग। क्लियर है क्या? देखो ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इज द फिजिकल एक्ट ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट द लंग्स। लंग्स में अंदर एयर लेना और बाहर निकालना को कहते हैं क्या, ब्रीथिंग। द मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिलीजमेंट ऑफ एनर्जी एंड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना, फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना, वही तो है रेस्पिरेशन। क्लियर है क्या? नोट पॉइंट क्या है, देखो रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और निकलता क्या है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए मैं बोला ना, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है क्या? चलेंगे देखें how energy released during the respiration is stored. देखें, the energy produced during the respiration is stored in the form of ATP. अब जो energy निकलती है respiration में, उसको ATP के form में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ध्यान समझिएगा, अपनी बॉडी ATP की पहचानती है बस।
अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो एटीपी को पहचानेगी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है क्या? अब अपनी बॉडी इसको पहचानती है, वे करेंसी है। मान लो सेल में सिर्फ यही नोट चलती है, अब सेल को पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी। इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है क्या? अब जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फोरस ग्रुप या फिर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया एडिनोसिन मोनो से बन गया। अब ये क्या बन गया? एडिनोसिन मोनो से बन गया एडिनोसिन, ये बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी तरह डाइफॉस्फेट में एक और लगा देंगे, क्या डाइफॉस्फेट प्लस एक और फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे तो ये मिलकर क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब तक ट्राइफॉस्फेट बनेगा नहीं तब तक सेल पहचानेगा नहीं कि ये एनर्जी करेंसी है। इसलिए मैं बोलूं एटीपी इज द ओनली एनर्जी करेंसी दैट सेल यूज्ड। क्लियर है क्या? एटीपी में बोल दूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलें देखें रेस्पिरेशन, देखो ये तो हो गया। अच्छा देखो देखो ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया, बोले तो पीओ फोर माइनस लग गया तो ये क्या बन गया? प्लस एनर्जी के साथ ही क्या बन गया? एटीपी। इसी को तो सेल पहचानेगी। क्लियर है क्या बात? चलें नेक्स्ट देखें। अपने पास दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, बोले तो विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ग्लूकोज फॉलो करता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या प्रोसेस, बन के वो पाइरुवेट बनाता है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि ये एरोबिक है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 6 CO2 निकलेगा और 6 वाटर वेपर निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी निकलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम फॉलो होगा प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे बनी दारू, बोले तो एल्कोहल। साथ ही साथ देखो ना, सिर्फ यहाँ पे 2 ATP निकला तो ये नुकसान वाला प्रोसेस है, कह दूं क्या? क्लियर है क्या? और देखो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कहाँ? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगर कोई पूछ ले तो आज के बाद आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखिएगा साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कोई भी पूछ ले आज के बाद तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओनली साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ? ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में यही होगा क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ कहाँ है? ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इथेनॉल बनता है, बोले तो दारू ये इथेनॉल ही है क्या? एल्कोहल है, इसी को तो बोलते हैं क्या? C2H5OH। क्लियर है क्या? और देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ध्यान समझिएगा। यही एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब हम लोग कभी एक दिन में अचानक दौड़ लेते हैं तो हमारी मसल्स में अचानक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लगा तो इसमें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, और इंस्टेंट ऑक्सीजन हो नहीं पाया तो ऑक्सीजन का एब्सेंस हो गया। ऑक्सीजन का एब्सेंस हुआ तो इसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, और उस केस में मसल्स में बनी क्या? लैक्टिक एसिड, तभी हमें दर्द होता है या फिर क्रैम्पिंग होती है क्या? क्लियर है क्या? देखो ना, ऑब्टेन एनर्जी बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द इंटेंस साइट में, ये देखो ना लैक्टिक एसिड बन गई और 2 ATP तो बनेगी ही, क्यों? क्योंकि वो एनारोबिक प्रोसेस है। क्लियर है क्या? चलें देखो दोनों डिफरेंस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। थर्ड क्या है? एंड प्रोडक्ट क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। इसका एंड प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है अपना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और ये देखें इंपॉर्टेंट दारू, साथ साथ लैक्टिक एसिड इन ह्यूमन मसल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? प्रोड्यूस करेगा कंसिडरेबल एनर्जी, इसमें कंसिडरेबल एनर्जी निकलती है, क्यों? क्योंकि इसमें 38 ATP निकलती है, बट इसमें बहुत कम एनर्जी निकलती है, बोले तो 2 ATP निकलती है। आपको याद रखना है इस दोनों पॉइंट को। क्लियर है क्या? चल आगे नेक्स्ट देखें। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, द प्रोसेस बाय विच रिलीजमेंट ऑफ फूड रिलीज फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वही है जो खाने से एनर्जी बनाना। देखो द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और निकालना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। क्लियर है क्या? द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड एयर रिच
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकाल देना इज बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, बाय द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स एंड एल्वोलाई। एल्वोलाई ए ब्रीथ मींस, देखो एक ब्रीथ अगर बोलू कोई बोले वन ब्रीथ या फिर ए ब्रीथ इज इक्वल्स टू वन इनहेलेशन, एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर निकालना कहलाता है एक ब्रीथिंग। क्लियर है क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखें, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथ इन मतलब सांस अंदर लेना, सांस जब हम अंदर लेंगे देखो ना हवा भरेगी, लंग्स फूला, लंग्स फूला तो ये जो डायफ्राम है, जब लंग्स में एयर भरी तो लंग्स फूला और डायफ्राम देखो ना, डायफ्राम देखो नीचे चला गया, जब ऊपर लंग्स भरेगा तो डायफ्राम दब जाएगा नीचे, लेकिन जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो देखो डायफ्राम ऊपर जाएगा, मतलब डायफ्राम ऊपर दब देगा, ये देखो सी शेप डायफ्राम बन गया यहाँ पे क्योंकि एयर बाहर निकाल दिए, ब्रीथ आउट मतलब एयर बाहर निकालना। क्लियर है क्या? देखें रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखें, मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आर नोज, नाक, नसल पैसेज, ये रही नसल पैसेज जिसको नसल कैविटी बोलते हैं, ट्रैकिया देख लें ये रही अपनी ट्रैकिया, ब्रोंकाई ये अपने ब्रोंकाई, ये है अपने ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम, ये रहा अपना डायफ्राम और ये दोनों पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है देखो एयर फॉर रिस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब ये जो नाक है, नाक की ये जो छेदे हैं छिद्रे हैं इन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल, प्रेजेंट इन आवर नोज, इट इज द एल्वोलाई। आज से मैं बोल दूं क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है ये कौन? एल्वोलाई, एयर लाइक सैक होता है, सैक होता है एयर लाइक, इसी में हवा भरती है तो फूलता है, निकलती है तो पिचकता है। क्लियर है क्या? एज द ब्लड पासेस थ्रू दीज टिश्यूज ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूज इन टू द सेल ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन टू द ब्लड ड्यू टू, समझे बात को? होता क्या है ये अपना एल्वोलाई है, तो क्या है अपना एल्वोलाई। अब अपने पास यहां पे क्या जा रही है आर्टरी, इधर क्या जा रही है वेन, इसमें क्या है ऑक्सीजन रिच एयर है, इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब जब ये गुजरेगी यहां से ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन अंदर चली गई, तो ऑक्सीजन अंदर चली गई तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसने लिया एक्सपेल कर दिया बाहर, लेकिन इस ऑक्सीजन को इसने लिया इसको अपने बॉडी ऑर्गन तक भेज दिया। क्लियर है क्या? अब देखें जो सांस हम लेते हैं बोले तो इनहेल्ड एयर उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है 0.04%, वाटर वेपर होता है ए लिटिल बहुत कम अमाउंट में, लेकिन जब हम एक्सहेल्ड आउट करते हैं देखो ना जब हम बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन तब भी रहती है उसमें कितना 16.4, कार्बन डाइऑक्साइड देखें उसमें जब निकालते हैं ज्यादा, इसके और इसके कंपैरिजन में कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं क्योंकि इनहेल्ड में 0.04 था ना के बराबर, लेकिन जब निकाला तब अपना देखो 4.4%, इससे हम कहते हैं कि हम निकालते हैं क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो ठंडियों जब हम हाँ करो तो थोड़ी देर में अपना मॉइस्चर हाथ लगेगा, इसलिए बोलते हैं वाटर वेपर यहाँ पे अलॉट ज्यादा इसके कंपैरिजन में। क्लियर है क्या? देखें रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कम्स इन ऑक्सीजन इन आवर बॉडी और रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब हमारे कंट्रोल या हमारे बस में नहीं है। एवरेज ब्रीथिंग आपको ये याद रखना है, एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट, जब कोई आदमी एडल्ट आदमी आराम कर रहा हो उस टाइम एक मिनट में 15 से 18 बार पर मिनट इंसान सांस अंदर निकालता और बाहर निकालता है। एक ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, एक बार सांस को बाहर निकालना और एक बार अंदर लेना, एक बार अंदर लेना एक बार बाहर निकालना, इसको बोलते हैं एक ब्रीथिंग। तो इसी तरह 15 से 18 बार पर मिनट इंसान एक आदमी एडल्ट रेस्ट टाइम में लेता है। रैपिड ब्रीथिंग सप्लाइज द मोर ऑक्सीजन टू द सेल प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, अब समझे ये हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है जो अपने को रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड ब्लड। क्लियर है क्या? एक हेल्दी आदमी में ये 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, बोले तो 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होती है, एक हेल्दी इंसान में 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन का होना जरूरी है, इस वैल्यू को रट लीजिएगा। क्लियर है? द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड पर्सन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग। अब देखो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा, इसको एनीमिया हो सकता है, काफी और चीजें हो सकती हैं, या फिर कह सकते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, टायर्डनेस महसूस होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन हर जगह पहुंचेगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विथ हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा मैंने एक बताया था आप सभी को कि हीमोग्लोबिन H2SO करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन को कौन मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड और
ऑक्सीजन दोनों मिले तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले अपना रिश्ता दिखाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड साथ। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की सबसे बाइंडिंग सबसे ज्यादा अच्छी और पसंद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड साथ। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर ये बाइंड हो गया तो बनाएगा बी का या फिर दूसरा मतलब हीमोग्लोबिन का अलग फॉर्म बन जाएगा, बोलेंगे इसको कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन के हिसाब से बन जाएगा, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज या इंसान को मार भी सकता है। लेकिन इसके एब्सेंस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का की सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस चॉइस हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट देखें, ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म। देखें ट्रांसपोर्ट मतलब कि बॉडी एक बॉडी के एक जगह से पूरी बॉडी में चीजों को फैलाना कहलाता है ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, देखें प्लांट में ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये दोनों कहलाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या? दोनों कहलाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। होता क्या है, जाइलम एक तरह की ट्यूब है जो हायर प्लांट है उसमें तो पानी सोख के तो नहीं जा पाएगा बाय डिफ्यूजन, तो हायर प्लांट्स में एक ट्यूब होती है जो पानी को रूट से लेके तक ले जाती है, इसको बोलते हैं जाइलम। इसका काम क्या, पानी और मिनरल्स को ट्रेवल करवाना। देखें पानी हमेशा रूट से ही जाएगा, जड़ से ही, तो मैं बोल दूं क्या जाइलम में जो पानी ट्रेवल होता है उसकी वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। बट हुआ क्या, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोइंग एक ऐसी कंडक्टिंग टिश्यू है जिसमें क्या होता है फूड का ट्रांसपोर्ट। देखो फूड या फिर मैं बोलूं किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं लीफ को, तो देखो ना लीफ में क्या बना, फूड बना, तो ये फूड इधर भी गया, ये फूड नीचे भी गया। मैं बोल दूं क्या जो फ्लोएम होता है ये, मैं बोल दूं क्या बाई डायरेक्शनल है या फिर मल्टी डायरेक्शनल। क्लियर है? चलें नेक्स्ट मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म क्या थी, ये था रूट, ये क्या है रूट हेयर्स है, इसके आसपास या फिर ऊपर नीचे मैं बोलूं सॉइल पार्टिकल्स, इसमें क्या है वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर को खींचता है इस तरह और ये ऊपर जाता है। ध्यान से देखें, जो रूट में है उसे बोलते हैं रूट जाइलम, जो स्टेम में है उसे बोलते हैं स्टेम जाइलम, जो लीफ में है उसे बोलेंगे लीफ जाइलम, और हर एक पत्ती तक इसी तरह पानी का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है क्या? इसी तरह आप देखें नेक्स्ट आता है अपने पास ब्लड सिस्टम। ब्लड इज रेड कलर्ड लिक्विड। रेड कलर क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक, सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ब्लड इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इट इज अच्छा, ब्लड इज द बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड ही सारा काम ले आता है। देखें ये कंसिस्ट क्या, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स, चार चीजों से ब्लड बनता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। देखें चार कंपोनेंट क्या क्या, प्लाज्मा, रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा इज ए लिक्विड विच ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब उसका बेस बनाना। एंड द थ्री टाइप ऑफ सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर केप्ट फ्लोटिंग। मतलब समझो ये एक तरह का ट्यूब है जिसमें पानी, ऐसे पानी बह रहा था, ये बहता हुआ पानी क्या है, कहलाता है प्लाज्मा। ठीक, इस बहते हुए पानी में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पड़े हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये क्या है, आरबीसी, आरसीबी मत बोलना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये क्या है, प्लेटलेट्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखें, रेड ब्लड का काम क्या, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स, डू नॉट हैव न्यूक्लिया। याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट एट मेच्योरिटी या फिर एडल्ट होने पे रेड ब्लड्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जब हम डोनेट करते हैं तो इसी से क्विक एड जनरेट होता है। व्हाइट ब्लड काम क्या करता है, फाइटनिंग फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है क्या, क्योंकि ये हमें बचाते हैं किससे, डिजीज से, वेरियस डिजीज से। प्लेटलेट्स का काम क्या, प्लेटलेट्स आर टीनी फ्रेगमेंट्स स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन, चोट लग जाए थोड़ी देर बाद थक्का बन जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स एज वेल एज विटामिन के। क्लियर है क्या? फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या,
ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड कैरीज हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी एंड एक्सक्रीट थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स किल द बैक्टीरिया एंड फाइट द बैक्टीरियल डिजीजेस। क्लियर है क्या? आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे, तो आप पानी पी लें। चलिए, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान समझिए, अपने पास तीन तरह की वेसल्स होती हैं बॉडी में। पहली आर्टरीज, आर्टरीज का काम क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ऑक्सीजन प्लस लिख रहा हूं मैं। वेन्स का काम क्या? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, माइनस ओ टू लगा दिया। कैपिलरीज का काम क्या करना? आर्टरीज और वेन्स को अटैच करना। क्लियर है क्या? आर्टरीज का काम क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। वेन्स का काम क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। कैपिलरीज का काम क्या? आर्टरीज और वेन्स को जोड़ के रखना। क्लियर है क्या? समझना, ध्यान से बस। इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। बाहर की लेयर होती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है एक पाउच में से, बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो काम क्या करता है, ताकि जर्क और धक्का से बचाए। याद रखिएगा, आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो बोले ये अपना राइट साइड इस हिसाब से दिख रहा है, लेकिन इस हार्ट को, ये हार्ट ऐसे है, इस तरह है, ऐसे पढ़िएगा। इधर वाला साइड अपना क्या? लेफ्ट साइड। इधर वाला साइड अपना राइट साइड। जो डिवाइड होता है बीच में, इसको बोलते हैं सेप्टा। क्लियर है क्या? बाकी तो हम दूसरे डायग्राम समझाते हैं। देखिए, ध्यान समझिए, ये सारी चीजें, ये सारे नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, बट आप समझने वाला काम आप यहां समझ लीजिए। होता क्या है, देखिए, मैंने बोला आर्टरी का काम, मैंने क्या बोला, सबसे पहले देख लो, हार्ट का, हार्ट के चार चेंबर होंगे, ध्यान से, इसको बोला लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। ध्यान समझना, हुआ क्या, अपने पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां, पहले यहां देखो, यहां पे क्या है अपना लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में क्या आया, ध्यान समझना, मैं एक बात बता दूं, आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, वेन का काम क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, मतलब CO2 को कैरी करना। बट याद रखिएगा, इसके आगे कुछ भी लग जाए, यहां पे अगर मैं लगा दूं पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब अब इसका काम उल्टा, पहले ये क्या करता था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले जाता था, पल्मोनरी आर्टरी लग गया तो अब इसका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, मतलब CO2 ले जाना। इसी तरह इसके आगे लग जाए पल्मोनरी, मतलब अब वेन्स का काम भी उल्टा हो गया, मतलब अब ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती थी, अब पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, ऑक्सीजन ले जाएगी। क्लियर है क्या? इसी तरह अगर किसी भी आर्टरी या वेन के आगे कुछ लग जाए कोई और नाम, मतलब उसका फंक्शन उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी शब्द जनरली लगता है लंग से रिलेटेड है, ध्यान समझे, ब्लड यहां पे आया, ध्यान समझिए, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऐसे पुश किया गया, पुश किया, फिर ब्लड इधर नीचे आ गया। ये जो है ना, ये बाइकस्पिड वॉल, या फिर इसे बोलते हैं बाई या ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है एक तरह का, जो ये यूनि डायरेक्शन होती है, ऊपर से ब्लड नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से जब धक्का लगेगा ना, तो ये देखो ना, ये दरवाजा ऐसे, ये नीचे से धक्का लगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, फ्लिप। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो यहां से ट्रेवल हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करेगा, मैंने बोला तो कौन, आर्टरी, मेन आर्टरी, इसको एओर्टा भी बोलते हैं, कैरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी ऑर्गन को दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, तो दूसरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें से यहां तक क्या, एओर्टा यहां पे आया, तो एओर्टा से ऑक्सीजन ले लिया गया,
और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया गया, टोयोटा अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेके आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो इसको बोलते हैं मेन वेन, या फिर इसी को बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पहले ही बताया था वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ले जाया गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में पुश किया गया तो यहाँ पे दबा, तो राइट वेंट्रिकल क्या किया, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा, छन्ने के लिए लंग्स को भेजा, और लंग्स में ले गया तो लंग्स को बोला पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी तो क्या करती थी, आर्टरी करती थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, लेकिन देखो ना पल्मोनरी लग गया, तो अब इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, क्लियर है क्या? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स में कौन है, एल्वेलाई, एल्वेलाई छान लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू निकाल देगा, उसमें भर देगा क्या वापस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फिर से वही साइकिल। तो देखो ना अपने अपने ब्लड में दो बार ब्लड का आना, दो बार ब्लड का आना, एक बार यहां पे आया, एक बार यहां पे आया, दो बार ब्लड हार्ट में आना और दो बार ब्लड हार्ट से जाना, क्या कहलाया, डबल सर्कुलेशन, क्लियर है क्या? दो बार ब्लड अंदर आया हार्ट के, कहां कहां, पहली बार आया लेफ्ट एट्रियम में, दूसरी बार राइट एट्रियम में, दो बार ब्लड हार्ट में आया और दो ब्लड बार ब्लड हार्ट से गया, एक पहला लेफ्ट वेंट्रिकल से, दूसरा राइट वेंट्रिकल से। तो मैं बोल दूं, इसीलिए हम बोलते हैं कि वी हैव डबल सर्कुलेशन सिस्टम, जिसको डिस्कवर कौन किया था, विलियम हार्वे ने, याद रखिएगा। चलिए आगे, हार्ट बीट इसी तरह वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, दबना और एक बार रिलैक्स हो जाना, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। है क्या, द हार्ट बीट बीट्स कितना, 72 टाइम्स पर मिनट, अपना मतलब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, एक बार रिलैक्स होना, ये लगभग एक मिनट में 70-72 बार होता है, व्हेन वी आर रेस्टिंग, जब हम लोग आराम करते हैं, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? दिस मीन्स दैट हार्ट पंप्स आउट, हार्ट पंप्स आउट टू आर्टरी अबाउट 70-72 टाइम्स पर मिनट। क्या, द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब ये पर मिनट की वैल्यू बढ़ जाती है, अप टू 100 के आसपास तक भी जा सकती है, क्लियर है क्या? एवरी टाइम द हार्ट बीट, जितनी बार हार्ट बीट करता है, ब्लड इज फोर्स्ड, ब्लड किया जाता है फोर्सफुली इनटू आर्टरी, दिस ब्लड मेक्स द आर्टरी एक्सपेंड, आर्टरी को थोड़ा सा ये एक्सपेंड करता है, धक्का देता है, लिटिल बिट फैला देता है, द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम ऑफ द ब्लड फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। आज के बाद याद रखिएगा, हर बार एक बार ब्लड हार्ट से, हार्ट से एक बार ब्लड आर्टरी में धक्का देना और एक बार आना कहलाता है हार्ट बीट, जो कि 70-72 टाइम पर मिनट होता है, लेकिन जब आर्टरी में फोर्सफुली धक्का देंगे तो आर्टरी हल्का सा चौड़ी हो जाती है, इस चौड़ी को बोलते हैं पल्स, क्लियर है क्या? अभी तो इसको क्लासिकल वे में यहाँ पे आप हाथ रखो, ऐसे दबा के रखो, कुछ देर में आप महसूस कर पाओगे आपकी उंगलियों में हल्का हल्का ऐसे ऐसे फ्लिप 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 धक्का लग गया, क्लियर है क्या? आगे देखो ना, पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट, क्लियर है क्या? रिस्ट मतलब कलाई पर रख के हाथ को पता करते हैं पल्स रेट, क्लियर है? देखें, प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड बॉडी, जिस प्रेशर से ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया जाता है, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। बोलते नहीं आपका बीपी हाई है, वही है बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर, क्लियर है क्या? देखें, ब्लड प्रेशर इन ए पर्सन ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यू, दो वैल्यू, एक होती है सिस्टोलिक वैल्यू, एक होती है डायस्टोलिक वैल्यू। द मीनिंग ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल, द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा फेज जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, दबे एंड पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरी, दबेगा तो ब्लड आगे बढ़ेगा, आर्टरी में जाएगा, इज कॉल्ड सिस्टोल, और ऐसा फेज जब ये दब के वापस रिलैक्स होगा तो इसमें ब्लड वापस आएगा, इज कॉल्ड डायस्टोल, इज कॉल्ड हार्ट बीट्स, इज कॉल्ड रिलैक्स अलाउज टू द, इज कॉल्ड डायस्टोल, उसे क्या बोलेंगे, डायस्टोल, क्लियर है क्या? तब मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू मेन आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक वैल्यू। मैक्सिमम प्रेशर से जब हार्ट से ब्लड निकले उसे बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट में ब्लड वापस आए मैक्सिमम प्रेशर से, द मिनिमम प्रेशर, कम से कम जो प्रेशर से आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज में ब्लड में वापस आए हार्ट में, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। नॉर्मल वैल्यू याद रखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू क्या है, सिस्टोलिक की होनी चाहिए 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक होनी चाहिए 80 mm ऑफ Hg, दिस इज यूजुअली रिटन एज 120/180, क्लियर है क्या? द ब्लड प्रेशर वैल्यूज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम द टाइम दे ऑल्सो विथ एज, उम्र के साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता है, क्लियर है क्या? उसको आप ध्यान रखिएगा।
इसी तरह अपनी बॉडी में एक और सिस्टम होता है लिम्फ सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम, यह भी एक तरह का सिस्टम है जो याद रखिएगा जो क्या काम करता है, जो कि अपने को अपनी बॉडी को डिजीज फ्री या फिर डिजीजों से लड़ने का काम करता है। एक बार आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, अपने पास टाइम कम है क्योंकि अपने को वन शॉट में खत्म करना है। फंक्शन ऑफ लिम्फ जरूर देख लीजिए, पहला क्या, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम बाय फिल्टरिंग द डिटेक्टिंग द पैथोजेंस, बीमारियों बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स को डिटेक्ट करके मारता है। मेंटेन्स द फ्लूइड बैलेंस बाय कलेक्टिंग द एंड बाय कलेक्टिंग एंड रिटर्निंग एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अब्सॉर्ब डाइट्री फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करेगा। ट्रांसपोर्ट इम्यून सेल्स को हर जगह पहुंचाएगा इम्यूनिटी के लिए। असिस्ट करेगा वेस्ट रिमूवल, टिश्यू से देखेगा कि टिश्यू से वेस्ट मटेरियल निकल जाए, रुके ना टिश्यू में, क्लियर है क्या। नाउ अपना लास्ट पार्ट है एक्सक्रीजन इन प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमंस। चलें, एक्सक्रीजन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। अपने बॉडी से ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हमारे यूजफुल ना हो, यूजफुल ना होने के साथ साथ हमें बीमारी कॉज कर सकता है, उसे बाहर निकाल देना बॉडी से इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड जिसको निकाल दिया जाता है, वाटर वेपर जिसको निकाल दिया जाता है, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए तो जरूरी है। द गैसियस वेस्ट ऑफ रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन। लीव्स कहां से, स्ट्रोमेटा से, लेंटेसाइल से रिमूव किया जाता है, क्लियर है क्या। चलें, मेन है अपना एक्सक्रीजन इन एनिमल्स। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस देखें, द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस ह्यूमन बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। ध्यान समझिए, अपनी बॉडी में मेजर दो तरह के वेस्ट होते हैं जो रिमूव किए जाते हैं। पहला इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने पढ़ लिया, कहां से निकला, लंग्स से। सेकेंड अपना यूरिया जो निकालेंगे कहां से, किडनी से। मतलब हम किडनी पढ़ने जा रहे हैं क्या। चले, कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकाल दिया गया फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आवर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, आवर किडनी एक्सक्रीट यूरिया, आवर लंग्स एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्रॉम रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, क्लियर है क्या। एक्सक्रीजन इन ह्यूमन देखें, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर, दो किडनी, दो यूरेटर्स और ब्लेडर और यूरेथ्रा। समझे, द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीले सब्सटेंस। क्या यूरिया क्या है, जहरीला सब्सटेंस, इसको क्या NH2PO, NH2 भी इसका केमिकल फॉर्मूला है। अदर वेस्ट जो अदर सॉल्ट है उसे, एक्सिस वाटर है उसे भी निकालने का काम क्या करेगा, येलोश लिक्विड कॉल्ड यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। Each kidney is made up of large number of excretory units called nephrons. आज के बाद कोई बोले तो बोल देना, basic unit of kidney is nephrons. Nephrons are the basic unit of kidney. Clear है क्या? वैसे छन्नी कितना काम करेगा? The Bowman's capsule and the tubules takes together to make the nephrons. The waste materials like urea remains behind the tubules. It does not get reabsorbed in the blood of the capillaries. ये बाहर ही निकल जाते हैं in the form of urea. समझिए, अपना excretory system is made up of a pair of kidney, ureter, जो इस kidney से waste product लाएगा, कौन, किस चीज को, in the form of urea या फिर urine. Urine इसमें इकट्ठा होगा. This is known as bladder. ये bladder में अंदर receptors होते हैं. Receptors वो होते हैं जो महसूस हो सके, जब ये bladder भर जाएगा तो हमें महसूस हो जाएगा कि हमें क्या ही है, toilet आई है, और जहां से toilet को remove कर दिया जाएगा इसको बोलते हैं urethra. Clear है क्या. देखें diagram. इतना blood purify होता है से, इसलिए बोला इसमें डर्टी ब्लड आया. डर्टी ब्लड आया मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड या फिर ऐसे 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 ब्लड जिसमें क्या है, यूरिनिक फॉर्म है, और इससे अपना प्योर ब्लड वापस जाएगा पूरी बॉडी में. इस चीज को यहां पे लाया गया, इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को यहां बड़ा किया गया. ध्यान समझिए, अपना डर्टी ब्लड यहां से आया इस स्ट्रक्चर में, यहां पे ये छना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमन्स के. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया क्या, इसको हमने बोला बोमन्स कैप्सूल, क्लियर है क्या. और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस. क्या ग्लोमेरुलस में डर्टी ब्लड क्या हुआ,
डर्टी ब्लड क्या हुआ, प्यूरिफाइड हुआ, छाना गया, और ये जो वोमेंस कैप्सूल है समझिएगा, इस वोमेंस कैप्सूल से जो प्यूरिफाइड हुआ क्या देखें, फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोस, अमीनो एसिड, सॉल्ट वाटर और यूरिया को डर्टी ब्लड से छान के ये वोमेंस कैप्सूल अपने अंदर ले लिया, ध्यान समझिएगा, और ये वापस यहां से क्या गया, यहां से गया अपना क्या, ये क्या है ब्लड कैपिलरी, ये क्या है ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो वोमेंस कैप्सूल से छन के आया, इन सब में छना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ग्लूकोस या ऑल अमीनो एसिड है वो यहां तक छन जाते हैं, क्लियर है क्या, लेकिन ये चीज क्या है, ये तो अपना ब्लड कैपिलरी है, अब ये ब्लड छन चुका है, ये ब्लड कैपिलरी छन चुका है तो ये यहाँ पे चला जाएगा क्लीन ब्लड पूरी बॉडी में। देखो ना, डर्टी ब्लड यहाँ आया, डर्टी ब्लड इसमें छन के, डर्टी ब्लड जो है अब प्योर फॉर्म में यहाँ पे इसके थ्रू यहां से ऐसे यहाँ पे छना डर्टी ब्लड, ध्यान से देखें, यहां से छन के डर्टी ब्लड तो यहाँ पे साफ होके ऐसे ऐसे करके ये चला गया, ये रहा अपना डर्टी ब्लड, ऐसे ऐसे छन छन के ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, इसमें ब्लड कैपिलरी, ये डर्टी ब्लड क्लीन होके निकल गया बॉडी ऑर्गन में, लेकिन जो पिंक पिंक दिख रहा है इसमें छने हुए सॉल्ट, अनवांटेड सॉल्ट या यूरिनिक फॉर्म है या फिर यूरिया मटेरियल है, जो कि अपना ऐसे जाता जाएगा ट्यूब्यूल में, यहाँ पे सब कुछ, अब यहाँ पे देखो इस मूवमेंट पे जो पानी, अगर बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसमें से भी पानी को छाना जाएगा, वरना पानी को एक्सेस निकाल दिया जाएगा थ्रू यूरिन के फॉर्म में, क्लियर है क्या। चले आगे, डिटेल ध्यान से देखें, ये वीडियो वन शॉट है इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बट डिटेल्ड स्टडी हम 9 पार्ट्स में इसको प्लेलिस्ट में डलवा दिए हैं, पूरे चैप्टर्स वहां पे आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं, क्लियर है क्या। चलें, नेक्स्ट वन इज रीनल फेलियर। अब जब किसी की अगर एक किडनी खराब हो गई, एक बच गई, तब भी वो प्रिकॉशन के साथ जी सकता है, लेकिन जब क्या हो, जब दोनों किडनी खराब हो जाए, कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्टेज प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन द ब्लड, ब्लड में ज्यादा होंगे तो अपने को बॉडी में दिक्कत होगी, तो एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं डायलिसिस। देखो, व्हेन द पेशेंट विद द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड टू पीरियोडिकली ऑन द किडनी मशीन इज नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस को क्या बोलते हैं, एज ए आर्टिफिशियल सिंथेटिक किडनी बोलते हैं। चले, द प्रोसीजर यूज फॉर द क्लीनिंग द ब्लड फ्रॉम ए पर्सन बाय द सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। होता क्या है, अब जो भी पेशेंट है उसका पूरा ब्लड यहां से पंप करवाएगा भाई, पंप मशीन लगा के डायलिसर को, यहां से पूरा ब्लड को निकाल के एक मीडियम में डाला जाता है, और इस मीडियम में क्या क्या डालते हैं, यहाँ पे यूज डायलिसिक सोल्यूशन डालते हैं, टैंक में वाटर और ग्लूकोज का सॉल्ट डालते हैं, और इसको डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू सारे इसमें ब्लड होता क्या, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, वेस्ट ब्लड आता है, वेस्ट ब्लड यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता रहता है और बीच बीच में छनते रहता है, यहां तक जब तक ब्लड यहां तक छना तो ये जो लिक्विड है ना अंदर, इसमें इसमें इस ब्लड से सारे गंदे पार्टिकल्स या फिर मैं बोलूं वेस्ट मटेरियल्स या फिर अनवांटेड आयंस सॉल्ट बाहर निकल गए इसमें लिक्विड में, और यहां से ये लिक्विड भी साफ होता रहेगा, और एट लास्ट यहां पे अपने को जो मिलेगा, यहां पे अपने को क्लीन ब्लड मिलेगा, और ये क्लीन ब्लड वापस अपने पेशेंट के बॉडी में जाता रहेगा, और यहां से डर्टी ब्लड जाता रहेगा, यहां से अपना क्लीन ब्लड आता रहेगा, क्लियर है क्या। क्लियर है डायलिसिस। चले बच्चों, हमने ये था हमारा, ये रहा वन शॉट वीडियो लाइव प्रोसेस का, जैसा कि आप सभी का पेपर चल रहा है तो आप इसको वन शॉट में एक तरह का ये रिवीजन का सोर्स आप बना सकते हो, ये बेस्ट वे है। हमने इसको वन शॉट में पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैप्चर किया, इसी तरह हम हर सब्जेक्ट या फिर हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आपको डीप स्टडी करनी हो और एक एक चैप्टर को अच्छे से समझना, एनालाइज करना हो, तो प्लेलिस्ट में 9 पार्ट हैं इस लाइव प्रोसेस का, आप जाके वहां से देख सकते हैं। थैंक यू आप सभी का, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया लाइव प्रोसेस चैप्टर में, इसी तरह आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और आपको जरा भी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।